डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट इन प्रेशर वेसल और बॉयलर। तो प्रेशर वेसल या फिर बॉयलर में दो टाइप के रिवेटेड जॉइंट का यूज होता है। पहला लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट, दूसरा सर्कमफरेंशियल जॉइंट। लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट का यूज हम बॉयलर के रिक्वायर्ड डायामीटर को फाइंड करने के लिए करते हैं और सर्कमफरेंशियल जॉइंट का यूज हम बॉयलर की रिक्वायर्ड लेंथ को फाइंड करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बट जॉइंट। तो IBR इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के हिसाब से लॉन्जिट्यूडनल बट जॉइंट के डिजाइन हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे थिकनेस ऑफ बॉयलर शेल। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है T is equals to P into D upon 2 sigma T eta L plus CA or T is equals to 7 mm whichever is larger। यानी कि ये जो फॉर्मूला है उसकी मदद से हमें जो थिकनेस मिल रही है वो और 7 mm, इन दोनों में से जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसे हम कंसीडर करेंगे थिकनेस ऑफ द बॉयलर शेल। ओके, यहां पर ये जो फॉर्मूला है उसमें T क्या है, थिकनेस ऑफ बॉयलर शेल, P गेज प्रेशर ऑफ बॉयलर, D इंटरनल डायामीटर ऑफ बॉयलर शेल, सिग्मा T परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, ईटा L एफिशिएंसी ऑफ लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट, CA यानी कि कोरोजन अलाउंस जो कि जनरली 1 mm से लेकर 3 mm तक हम ले सकते हैं। ठीक है, अभी कभी कभी यहां पर हमें परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस की जगह टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ दी जाती है। तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा टी इज इक्वल्स टू एस वाई टी यानी कि टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लेनी है वो हम इस टेबल की मदद से समझ सकेंगे। तो अगर लैप जॉइंट है और हैंड रिवेटिंग हो रहा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगी 4.75। अगर लैप जॉइंट है और मशीन रिवेटिंग हो रहा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगी 4.5। अगर सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट है और हैंड रिवेटिंग हो रहा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगी 4.75। अगर सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट है और मशीन रिवेटिंग हो रहा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगी 4.5। अगर डबल रिवेटेड बट जॉइंट है और हैंड रिवेटिंग हो रहा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगी 4.25। अगर डबल रिवेटेड बट जॉइंट है और मशीन रिवेटिंग हो रहा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगी 4। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थिकनेस हमें मिल जाए उसके बाद हम फाइंड करेंगे डायामीटर ऑफ रिवेट्स डी। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि डायामीटर ऑफ रिवेट्स थिकनेस ऑफ बॉयलर सेल से ज्यादा ही होना चाहिए, वरना क्रशिंग फेलियर जल्दी हो जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये जो डायामीटर ऑफ रिवेट्स है उसकी वैल्यू थिकनेस पर डिपेंड करती है कि अगर यहां पर हमें थिकनेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 mm मिल रही है तो हमारा फॉर्मूला रहेगा डायामीटर ऑफ रिवेट्स फाइंड करने के लिए डी इज इक्वल्स टू 6√T। ठीक है, अगर थिकनेस लेस देन 8 mm मिल रही है तो हम शियरिंग रेजिस्टेंस और क्रशिंग रेजिस्टेंस के फॉर्मूला को इक्वेट कर देंगे ताकि हमें डायामीटर ऑफ रिवेट मिल पाए। अभी ये जो शियरिंग रेजिस्टेंस और क्रशिंग रेजिस्टेंस है वो हमने फेलियर ऑफ रिवेटेड जॉइंट में पढ़ा है। तो शियरिंग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला उसके हिसाब से क्या था, एनपी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू टाउ इज इक्वल्स टू क्रशिंग रेजिस्टेंस। तो उसका फॉर्मूला क्या था, np into d into t into sigma c। ओके, यहां पर ये जो np है वो क्या है, नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ, d डायामीटर ऑफ रिवेट्स, tau शियर स्ट्रेस, np वही नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ, d डायामीटर ऑफ रिवेट्स, t थिकनेस ऑफ बॉयलर शेल एंड सिग्मा c क्रशिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो आगे सिंप्लीफाई करने से हमें फॉर्मूला मिलेगा d इज इक्वल्स टू 4 इंटू सिग्मा c इंटू t अपॉन पाई इंटू टाउ। ठीक है, तो थिकनेस कितनी है
उसके हिसाब से इस तरीके से हम डायामीटर फाइंड कर सकते हैं। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम फाइंड करेंगे पिच ऑफ रिवेट्स पी। ठीक है, तो पिच फाइंड करने के लिए हमें टेंसाइल रेजिस्टेंस या फिर टियरिंग रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं उसे, और शियरिंग रेजिस्टेंस के फॉर्मूला को इक्वेट कर देना है। ओके, जिससे कि हमें पिच मिल पाए। तो फेलियर ऑफ रिवेटेड जॉइंट में हमने टियरिंग रेजिस्टेंस भी पढ़ा था, उसका फॉर्मूला क्या था, PT इज इक्वल्स टू पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। अभी हमने शियरिंग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां पर देखा, क्या है वो, एनपी इंटू पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक है, यहां पर ये जो स्मॉल पी है वो क्या है, पिच ऑफ रिवेट्स, डी डायामीटर ऑफ रिवेट्स, टी थिकनेस ऑफ बॉयलर शेल एंड सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस। शियरिंग रेजिस्टेंस के जो टर्म्स है वो मैंने यहां पर बताए कि क्या है, एनपी नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ, डी डायामीटर ऑफ रिवेट्स, टाउ शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम पिच ऑफ रिवेट्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन पिच ऑफ रिवेट फाइंड करने के बाद हमें चेक करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये जो पिच है उसकी वैल्यू मिनिमम पिच और मैक्सिमम पिच के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन हमारी है पी मिनिमम, यानी कि मिनिमम पिच इज लेस देन और इक्वल्स टू पी, पिच लेस देन और इक्वल्स टू पी मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम पिच। ओके, मिनिमम पिच हमें कैसे मिलेगी, तो उसका फॉर्मूला है 2 इंटू डी। मैक्सिमम पिच, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सी इंटू टी प्लस 41.28 mm। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हमें याद ही रखना है, जो भी सी और टी का मल्टीप्लिकेशन आए उसमें हमें 41.28 mm को ऐड कर देना है। ओके, यहां पर ये जो सी है वो क्या है, कांस्टेंट, और टी है वो थिकनेस ऑफ बॉयलर शेल। अभी हम सी की वैल्यू कितनी लेंगे वो इस टेबल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि अगर नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ एक है और लैप जॉइंट है तो सी की वैल्यू रहेगी 1.31, अगर सिंगल स्ट्रेप बट जॉइंट है तो सी की वैल्यू रहेगी 1.53, अगर डबल स्ट्रेप बट जॉइंट है तो सी की वैल्यू रहेगी 1.75। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ दो है और लैप जॉइंट है तो सी की वैल्यू रहेगी 2.62, अगर सिंगल स्ट्रेप बट जॉइंट है तो सी की वैल्यू रहेगी 3.06, अगर डबल स्ट्रेप बट जॉइंट है तो सी की वैल्यू रहेगी 3.50। ओके, अगर नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ 3 है और लैप जॉइंट है तो सी की वैल्यू रहेगी 3.47, अगर सिंगल स्ट्रेप बट जॉइंट है तो सी की वैल्यू रहेगी 4.05, अगर डबल स्ट्रेप बट जॉइंट है तो सी की वैल्यू रहेगी 4.63। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम फाइंड करेंगे स्पेसिंग ऑफ रिवेट्स पीबी। ठीक है, तो उसमें तीन केस पॉसिबल है। पहला केस कि अगर लैप जॉइंट या फिर बट जॉइंट है और उसमें एक से ज्यादा रो में इक्वल नंबर ऑफ रिवेट्स है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि लैप या फिर बट जॉइंट में एक से ज्यादा रो में इक्वल नंबर ऑफ रिवेट्स है तो रिवेट स्पेसिंग हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर जिगजैग रिवेटिंग हो रहा है तो रिवेट स्पेसिंग होगा पीबी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.33p प्लस 0.67d। पी क्या है, पिच ऑफ रिवेट्स, डी डायामीटर ऑफ रिवेट्स। ओके, अगर चेन रिवेटिंग हो रहा है तो रिवेट स्पेसिंग पीबी क्या रहेगा, 2d। ठीक है, दूसरा केस कि अगर चेन रिवेटिंग हो रहा है और आउटर रो में जितने नंबर ऑफ रिवेट्स है वो इनर रो के नंबर ऑफ रिवेट्स से आधे है। फिर से रिपीट करता हूं कि अगर चेन रिवेटिंग हो रहा है और आउटर रो में जितने नंबर ऑफ रिवेट्स है वो इनर रो में जितने नंबर ऑफ रिवेट्स है उससे आधे है तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज है, दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहला, डिस्टेंस बिटवीन आउटर रोज वो क्या रहेगा, पीबी इज इक्वल्स टू 0.33p प्लस 0.67d या फिर 2d, विच एवर इज लार्जर, यानी कि हमें
ये दोनों फाइंड करना है और जो वैल्यू हमें सबसे ज्यादा मिलेगी उसे हमें कंसीडर करना है एज अ स्पेसिंग ऑफ रिवेट्स, ठीक है। दूसरी चीज, डिस्टेंस बिटवीन रोज वेयर देयर आर फुल नंबर ऑफ रिवेट्स, तो ये डिस्टेंस पीबी क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2d, ठीक है। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तीसरा केस, अगर zigzag riveting हो रहा है और कंडीशन यही है सेम कि आउटर रो के नंबर ऑफ रिवेट्स इनर रो के नंबर ऑफ रिवेट्स से आधे है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर zigzag riveting हो रहा है और आउटर रो के नंबर ऑफ रिवेट्स इनर रो के नंबर ऑफ रिवेट से आधे है, तो उसमें भी दो चीजें पॉसिबल है सेम यही। पहला, डिस्टेंस बिटवीन आउटर रोज पीबी वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.2p प्लस 1.15d, यहां पर p क्या है, पिच ऑफ रिवेट और d क्या है, डायामीटर ऑफ रिवेट। दूसरी चीज, डिस्टेंस बिटवीन रोज वेयर देयर आर फुल नंबर ऑफ रिवेट्स, तो उसमें रिवेट स्पेसिंग पीबी वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.165p प्लस 0.67d, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम फाइंड करेंगे थिकनेस ऑफ बट स्ट्रैप T1, तो उसके लिए पांच केस पॉसिबल है। पहला, सिंगल बट स्ट्रैप विथ चेन रिवेटिंग, तो उसमें T1 रहेगा 1.125t। दूसरा केस, सिंगल बट स्ट्रैप हैविंग एवरी अल्टरनेट रिवेट इन आउटर रोज बीइंग ओमिटेड, तो उसमें T1 रहेगा 1.125t इनटू p माइनस d अपॉन p माइनस 2d। तीसरा, डबल बट स्ट्रैप ऑफ इक्वल विड्थ विथ चेन रिवेटिंग, तो उसमें T1 रहेगा 0.625t। उसके बाद चौथा, डबल बट स्ट्रैप ऑफ इक्वल विड्थ हैविंग एवरी अल्टरनेट रिवेट इन आउटर रोज बीइंग ओमिटेड, तो उसमें T1 रहेगा 0.625t इनटू p माइनस d अपॉन p माइनस 2d, ठीक है। नेक्स्ट, पांचवा, डबल बट स्ट्रैप ऑफ अनइक्वल विड्थ, अभी यहां पर डबल बट स्ट्रैप वाले जो दो केस देखे थे उसमें विड्थ इक्वल थी, अभी अनइक्वल विड्थ के लिए दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहली, थिकनेस ऑफ इनसाइड स्ट्रैप, तो उसके लिए T1 रहेगा 0.75t। दूसरा, थिकनेस ऑफ आउटसाइड स्ट्रैप, तो उसके लिए T1 रहेगा 0.625t, ओके? उसके बाद लास्ट में हम फाइंड करेंगे मार्जिन, तो मार्जिन हम कंसीडर करेंगे 1.5d, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।